हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। महाराष्ट्र में इसी सप्ताह लग सकता है लॉकडाउन, शुरू हुई पाबंदियों की तैयारियां। महाराष्ट्र में हर दिन कोरोना वायरस के 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी कई पाबंदियों के बावजूद कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने लॉकडाउन लगाए जाने की पैरवी की है। राज्य सरकार के अधिकारियों के मुताबिक संभवत बुधवार यानी 19 अप्रैल को राज्य में लॉकडाउन को लेकर फैसला ले लिया जाएगा और इससे पहले ही पाबंदी के दौरान लागू किए जाने वाले नियम कायदों पर विचार विमर्श शुरू हो चुका है। खुद महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि उनकी सरकार ने लॉकडाउन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने बताया है कि फिलहाल लॉकडाउन के दुष्प्रभावों को कम करने के उपायों पर चर्चा जारी है। खबरों के मुताबिक बचाव के नियम कायदों पर चर्चा के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार संग बैठक की। उद्धव सरकार फिलहाल इस पर भी विचार कर रही है कि राज्य में ऑक्सीजन आपूर्ति, दवाओं और एंटीवायरल रेमडेसिविर की कमी को कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा राज्य में कम दामों पर अनाज दिए जाने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असमल शेख ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान किसे अनुमति दी जाए और कितने दिनों के लिए, इन सब को लेकर राज्य सरकार फुल प्रूफ प्लान बना रही है। लॉकडाउन से पहले यदि लोग कहीं जाना चाहते हैं या फिर यहां आना चाहते हैं, उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा। मंत्री ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी है। असमल शेख ने ये भी बताया कि राज्य सरकार आने वाले त्योहारों के लिए कड़े SOP भी बना रही है। उन्होंने कहा त्योहारों के लिए सख्त SOP होंगे। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।